बहुत बहुत शुक्रिया आपका। मेरा एक क्वेश्चन इस टॉपिक पे है कि जैसे इस्लाम में शादी का और तलाक का, क्या ये जेंडर इक्विटी नहीं है आपके यहाँ? जैसे जो अख्तियार जो है मर्दों को हासिल है, वही अख्तियार औरतों को हासिल नहीं है? क्या औरत और मर्द एक जी समान नहीं माने जाते विष्णुभा, हैं? आप ऐसा करिए, जी आप ऐसा करिए, आप स्ट्रीम ऐसा में थोड़ा करिए, पीछे स्ट्रीम में जाइए। थोड़ा पीछे और जाइए। मैंने जब और मेरा मैंने जब ओपनिंग मेरा प्रेजेंटेशन ओपनिंग दिया है तो उसके अंदर प्रेजेंटेशन मैंने ये दिया है सवाल का विद पावर पॉइंट जवाब विद दिया पावर है, तो पॉइंट मैं वो जवाब, जवाब रिपीट नहीं करता हूँ, आप वो जरा सुन लीजिए, मैं आपको मैं बैक सुन स्टेज रखता मैं हूँ, शुरू से आप वो मैं सुन शुरू लीजिए से मेरा आपकी स्ट्रीम प्रेजेंटेशन। देख सुन रहा हूँ। चुके नहीं, हैं? मैं आपकी स्ट्रीम जब से शुरू हुई मैं तब ओके, से इसमें शामिल हूँ, और जो मैंने महसूस किया वो ये कि थैंक जैसे यू, थैंक मर्दों यू, को थैंक यू। चार शादियों का राइट है, औरतों को चार शादियों का राइट नहीं है। मर्द जब चाहे तब किसी भी वजह से औरत को तलाक दे सकता है, उसकी मर्जी है। आप कहते हैं कि औरतें जो है खुला ले सकती हैं, लेकिन औरतों को खुला तब मिलेगा जब मर्द दे। अगर मर्द मना कर देगा देने से तो औरत को खुला किसी भी हालत में नहीं मिलना है। तो नहीं, काजी शादी के करने पास जा काजी सकती के है, पास उसका हस्बैंड नहीं दे रहा है तो नहीं नहीं काजी नहीं नहीं दे नहीं सकता है, नहीं अगर उसका नहीं वो केस देखिए वैलिड है। विष्णु भाई, मैं बताता हूँ आपको, इस्लाम में इस्लाम में अब असल में पीछे से शायद पीछे आपका से विंडो आपका खुला हुआ विंडो यूट्यूब खुला का, हुआ तो मुझे यूट्यूब मेरी का, तो आवाज़ मुझे डबल आ मेरी रही है, आवाज़ डबल आ रही है। तो उसको जी म्यूट कर नहीं, लें। हम म्यूट कर लें। यूट्यूब नहीं खुला है सर। अच्छा, हाँ तो तो मुझे बंद मेरी है, आवाज़ ही डबल आ बंद रही है, आप करते हैं थोड़ा आप सा म्यूट कर लें अपने आप यूट्यूब का को। विंडो बंद, यूट्यूब का विंडो बंद। मेरा मेरा यूट्यूब नहीं खुला है सर। अच्छा, तो मैं ये तो बता रहा मैं हूँ ये आपको बता कि रहा हूँ आप आपको कि आप इक्वेलिटी की जो बात इक्वेलिटी कर की जो रहे हैं ना, बात कर रहे हैं। इक्वेलिटी वहाँ होती है जहाँ सिमिलरिटी होती है। जब दो चीज़ें सिमिलर होती हैं तो दोनों को इक्वली ट्रीट किया जाता है। अब क्योंकि औरत और मर्द सिमिलर नहीं है, इसलिए इस्लाम उनको इक्वल नहीं रखता है, बल्कि औरत को औरत होने के हिसाब से हुकूक और जिम्मेदारियां देता है, उनके मिजाज और उनकी नफ्सियात, उनके नेचर को मद्देनजर रखते हुए। और मर्द को मर्द होने की हैसियत से उनको जिम्मेदारियां और हुकूक देता है, उनके मिजाज, उनकी फितरत और उनके नेचर को मद्देनजर रखते हुए। तो चाहे तलाक का मामला हो, चाहे खुला का मामला हो, चाहे निकाह का मामला हो, सारे मसाइल का जो उसूली हल है, जो आपके सवाल का उसूली जवाब है, वो यही है कि इक्वेलिटी वहां होती है जहाँ सिमिलरिटी हो। दो चीजें जो सिमिलर नहीं हो उनको इक्वल नहीं रखा जाता है। औरत मर्द से क्योंकि अलग है, उसका मिजाज अलग है, उसका नेचर अलग है, उसकी फितरत अलग है, उसकी जिस्मानी बनावट अलग है, उसका जो चीजों को सोचने समझने का तरीका अलग है, तो क्योंकि दोनों का मामला अलग है, दोनों सिमिलर नहीं है, इसलिए दोनों इक्वल नहीं है। बाकी तलाक वाला मसला जो आपने कहा, तो इस्लाम ने आदमी को अगर तलाक का इख्तियार दिया है तो औरत को खुला का इख्तियार दिया है, दिया और खुला और का खुला इख्तियार का इस सूरत इख्तियार में इस भी दिया, सूरत मेरी में बात भी सुन आपने दीजिए आप दिया पूरी, दिया पूरी शौहर से शौहर वो खुला से तलब रिश्वत करेगी। करेगी। अगर इसी बात शौहर खुला कंफर्म है कि नहीं दे रहा आपका है, विंडो खुला है, आपका विंडो खुला है? खुला जो है ना वो दो तरह मुझे का इनको होता है, एक म्यूट। होता है खुला बित तराजी और एक होता है खुला बित तकाजी। खुला बित तराजी का मतलब होता है आपसी रजामंदी से खुला, तो लड़की पहले अपने शौहर से खुला तलब करेगी, अगर उसका शौहर उसको खुला देने के लिए तैयार है तो लड़की कहेगी मुझे खुला दो, मैं मार वापस करती हूँ। लड़का कहेगा मैंने तुम्हारा मार कबूल करके तुमको खुला दे दिया, खुला हो जाएगा, या जिस भी रकम पर दोनों मुत्तफिक हो जाए। अगर शौहर खुला नहीं दे रहा तो ऐसा नहीं कि उसके लिए रास्ते बंद है, वो काजी के पास जाएगी, इसको कहते हैं खुला बित तकाजी, काजी के पास जाएगी, काजी के पास अपना मामला रखेगी, काजी सुलह कराने की कोशिश करेगा, और अगर काजी को ये लगता है कि सुलह की गुंजाइश नहीं बची है और लड़की का खुला का मुतालबा दुरुस्त है, वो नहीं रह सकती उस लड़के के साथ, तो काजी उस निकाह को फस कर देगा। तो शरीयत ने दोनों को इख्तियार दिया है, किसी भी निकाह में अगर लड़का नहीं रहना चाहता, शरीयत ने उसको इख्तियार दिया है कि वो भी बाहर जा सकता है, लड़की नहीं रहना चाहती तो दुनिया की कोई ताकत उसको जबरन नहीं रख सकती निकाह में, बस दोनों को बाहर दोनों को निकलने बाहर का तरीका निकलने का मुख्तलिफ तरीका रखा है, क्योंकि मुख्तलिफ, दोनों का क्योंकि मिजाज दोनों का मुख्तलिफ। मिजाज मुख्तलिफ। नहीं, वो मिजाज मुख्तलिफ हो चलिए बात समझ में आती है, लेकिन औरत आज के दौर में अगर आपने गौर किया होगा तो न तो एजुकेशन के मामले में उससे कम है, न किसी भी खूबी के मामले में औरत मर्दों से कम है, जबकि आज आप देखेंगे कुछ चीज़ें ऐसी भाई हैं कम जो ज्यादा आप बोल रहे आप हैं, हम बोल कम रहे हैं, ज्यादा हम तो कम बात ही ज़्यादा नहीं तो कर बात रहे हैं ही नहीं ना, कर रहे ना। हम आपने सिर्फ उसके उसके मिजाज मिजाज के के मुख्तलिफ मुख्तलिफ होने होने की की बात बात कर रहे करें, हैं, हम हम कम कम ज़्यादा ज़्यादा की की बात बात ही ही नहीं नहीं कर कर रहे। रहे। औरत औरत कुछ कुछ भी भी हो हो जाए जाए तो तो वो वो औरत औरत रहेगी, रहेगी, मर्द मर्द कुछ कुछ भी भी रह रह जाए जाए तो तो वो वो मर्द मर्द रहेगा। रहेगा। हमने ये नहीं कहा कि मर्द ज्यादा है औरत कम है या औरत ज्यादा है मर्द कम है, हम कम ज्यादा की बात ही नहीं कर रहे हैं ना, हम तो डिफरेंस की बात कर रहे हैं कि दोनों में कुछ डिफरेंसेस हैं और उन डिफरेंसेस का ताल्लुक उनकी तालीम या उनके माहौल या ब्रिंगिंग से नहीं है, उसका ताल्लुक उनके नेचर से। इसलिए बार बार मैंने एक बात कहा कि उनकी नेचर, उनकी फितरत, उनका मिजाज मुख्तलिफ है, लिहाजा उन पर जिम्मेदारियां मुख्तलिफ डाली गई है, कम ज्यादा आप करें। मैंने तो कभी अभी कहा ही नहीं कि मर्द ज्यादा है या औरत कम है, मैं तो सिर्फ उनके दरमियान के फर्क की बात कर रहा हूँ जो उनके नेचर का हिस्सा है। औरत कुछ भी पढ़ ले, पढ़ करके वो मर्द तो नहीं हो जाएगी ना, रहेगी वो औरत ही।
और मर्द जितना भी अनपढ़ रहेगा तो मर्द ही, तो क्योंकि मर्द मर्द है तो उसको बाज जिम्मेदारियां दी गई हैं मर्द होने के हिसाब से, और बाज उस पर हकूक दिए गए, औरत औरत है तो औरत होने की हिसाब से उसको कुछ जिम्मेदारियां दी गई हैं, कुछ हकूक दिए गए। इक्वली तो आप दोनों को ट्रीट ही नहीं कर सकते, दोनों इक्वल है ही नहीं क्योंकि दोनों सिमिलर नहीं है, और सही है। इसमें कोई मैं ऐड की इसमें बात एक भी ऐड नहीं है। करता हूँ, मैं इसमें ऐड कर देता हूँ कि अगर मर्दों के ब्रेन्स देखें तो औरतों के ब्रेन से दिमाग दोनों का अलग है। चाहे मर्द ब्लैक हो, व्हाइट हो, इंडियन हो, अफ्रीकन हो, अमेरिकन हो, सबका दिमाग में फर्क नहीं होता है, दिमाग सेम होता है, लेकिन मर्दों और औरतों का दिमाग अलग होता है। उनके अंदर बीच में कनेक्शंस अलग होते हैं, जो हार्ड वायर्ड डिफरेंसेस होते हैं, जो मर्द और औरतें जो अलग अलग तरह से कई चीजें करती हैं करते हैं। तो जैसे फॉर एग्जाम्पल फीमेल ब्रेन के अंदर कई स्पेशलिटीज होती है जो मर्दों के ब्रेन में नहीं है, इमोशंस से कनेक्शन, जज्बात को बेहतर समझ पाना, बच्चे के जज्बात को समझना। मर्दों के अंदर हम देखते हैं कि प्रॉब्लम सॉल्विंग और प्लानिंग और ये सारी चीजों में देखा गया कि उनके बेटर कैपेबिलिटीज है, और ये साबित शुदा है, इस बारे में रिपोर्ट्स मौजूद है, ऐसा नहीं कि नहीं है, ये बस थियरी है, ये चीज की रिपोर्ट है। प्लस हार्मोन्स के ताल्लुक से जो मैंने वहां ओरली कहा था, मैं रिपोर्ट्स के साथ बता रहा हूँ कि आप देख सकते हैं कि ये रिपोर्ट है pubmed.gov पे कि सुइसाइडल अटेम्प्ट्स होते हैं और मेंस्ट्रुअल साइकिल्स होती है औरतों की, तो उसके अंदर देखा गया कि औरतों के सुइसाइड अटेम्प्ट्स मेंसेस के दौरान बढ़ जाते हैं, और पूरा कोरिलेट किया गया कि मेंसेस के दौरान फीमेल्स का डिफरेंस होता है। और पीएमएस जिसे कहते हैं प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम, तो उसके अंदर आप देखते हो 75% औरतें कुछ ना कुछ जरा एक, फिजिकल और साइकोलॉजिकल सिम्टम्स फील करती। मैं यहीं पे एक बार अपनी बात रखना चाह रहा हूं, जरा मुझे भी आप सुन लें जी। बताएं ये काम करो, कहा कि एक मिनट रुक जाइए, मैं एक मिनट फिनिश कर लेता हूँ, फिर आप बोलिए, मैं आपको मना नहीं कर रहा। हाँ जी, हाँ, उसी तरह पीएमएस में 80%, ये रिपोर्ट जो है अमेरिकन एकेडमी ऑफ फिजिकल फिजिशियंस, 80% औरतें वो पीएमएस के इफेक्ट्स फील करती है, उनमें से 3-8% का मोस्ट सिवियर, जो सिवियर इफेक्ट्स वो फील करते हैं, 20-32% सैडनेस एंग्जाइटी फील करते हैं। तो यानी क्या है, उनके लिए बेटर अंडरस्टैंडिंग उसमें जरूरत है। हाँ, तो जैसे साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स मेनोपॉज में, मेंस्ट्रुअल रुकने के बाद में, वो देखा गया कि 32% औरतों को मेनोपॉज के दौरान उन्हें स्लीप डिस्टरबेंस और कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज, इरिटेबिलिटी, नर्वसनेस, डिप्रेशन, ये सारी चीजें देखी गई 31%, यानी कि कितने बड़े बड़े फिगर्स है, 31, 28, 23% बड़े फिगर्स है। और प्रेगनेंसी के दौरान साइकेट्रिक डिसऑर्डर्स इन प्रेगनेंसी, प्रेगनेंसी के दौरान आप देख सकते हो कि कितनी औरतों को डिफिकल्टीज फील होती है, 70% औरतें नेगेटिव मूड सिम्टम्स फील करती हैं, और हम देखते हैं कि बाकी का डिप्रेशन तक बात पहुंच जाती है बाज औरतों का प्रेगनेंसी के दौरान। तो हम ये देखते हैं कि ये इसका मैंने इसके ताल्लुक से रिसर्च प्रेजेंट किया। अब आप बोलिए, आप जो बोलना चाह रहे हैं जी। आप मुझे 5 मिनट का मौका दीजिएगा बगैर इंटरप्शन के। ये आपने औरतों में जो मूड स्विंग की बात की, चाहे प्रीचिंग हो रही, आप अपना सवाल पूछिए, हम उसको जवाब देंगे जी। सर देखिए, मैं अपनी बात तो रख लूं। आपने और देखिए ब्रदर, विष्णु भाई, बात आपके तो, पीछे आवाज डबल रिपीट हो रही है, क्यों? सर आप मेरे यहाँ यूट्यूब नहीं चल रहा है। देखिए, आपने जो मुख्य औरतों की आप यहाँ नहीं चल रहा है तो मैं आपको म्यूट कर रहा हूँ, तो हमारी डबल आवाज आना बंद हो रही है। तो सर आप म्यूट करने, मेरे यहाँ कोई चीज नहीं चल रही है, सब पब्लिक विटनेस है यहाँ पर, आपके यहाँ से टेक्निकल प्रॉब्लम है, और ऐसे टेक्निकल प्रॉब्लम कोई अलाउ नहीं करता है, कोई जनरल स्ट्रीम्स में अलाउ नहीं करता है कि आप टेक्निकल प्रॉब्लम के साथ। अच्छा, मैं अच्छा, अब ठीक आ रही है आवाज, ठीक आ रही है मुझे, मेरी आवाज सबल सुनाई दे रही है, आप बात क्यों नहीं समझ रहे हैं जी? कैरी ऑन जी। फैन चल रहा था, मैंने फैन बंद कर दिया, अभी तो कुछ नहीं चल रहा है। बहरहाल फैन से नहीं आती डबल आवाज, बाउंस होकर डबल आ रही है, आपके पीछे कुछ चल रहा है जी। आप कुछ आप अपनी बात बोल दीजिए जी। मेरा एक क्वेश्चन था आपसे कि आपने मूक स्विंग की बात की कि महिलाओं में मोनोपॉज की समस्या हो, चाहे अलग अलग सिचुएशंस हो, ये कोई इस तरह के आज के दौर में ऐसी प्रॉब्लम नहीं है कि जिसकी वजह से औरतों को मतलब कुछ इस तरह का कहा जाए कि वो किसी मामले में कम है या मतलब वो नहीं करती है? ठीक है, महिलाएं हैं इन भाई, आप बार बार कम क्यों बोल रहे हैं? किसने बोला कि कम है? आप कम क्यों बोल रहे हैं बार बार? आपने ये तर्क दिया कि महिलाएं जब अलग अलग पीरियड्स में होती हैं तो उनके साथ दिक्कत होती है, इसलिए महिलाओं को ये राइट्स नहीं, ये कोई नहीं, हमने एक तरीका सिर्फ बताया, हमने सिर्फ एक बात बताई, क्योंकि दोनों का जिस्मानी और जहनी बनावट क्योंकि दोनों की अलग अलग है, इसलिए दोनों को इक्वली ट्रीट नहीं किया गया। अब आप ये बताइए कि क्या वो सिमिलर हैं? हम कह रहे हैं सिमिलर नहीं है, तो आप बोलते हैं सिमिलर हैं। सिमिलर नहीं है, जो महिलाएं वेल एजुकेटेड हैं, वेल क्वालिफाइड हैं, मेरी बात आप समझे, महिलाओं की डिसीजन मेकिंग। अरे भाई, वेल एजुकेशन करने से क्या वो औरत मर्द बन जाएगी?
आप सुनना भी तो हम पसंद जो करें, फर्क आप बोल रहे हैं लगातार उसका बोलेंगे। ताल्लुक एजुकेशन से नहीं है ना। बिल्कुल, तो मैं जो बात रखना चाह रहा हूँ उसका उसका ताल्लुक एजुकेशन से है, क्योंकि क्वालिटी मेक्स द डिफरेंस। एजुकेशन तो आप वो क्यों रख रहे हैं, जब हमने कहा कि उसकी जिस्मानी और ज़हनी बनावट मुख्तलिफ है एजुकेशन से, एजुकेशन से क्या उसका जिस्म मर्दों जैसा हो जाएगा, उसके अंदर नहीं फिजिकली ताकत ज्यादा आ जाएगी, उसकी डिसीजन मेकिंग की क्षमता बेहतर होगी, उसकी सोचने समझने। तो कौन बोल रहा है कि उसकी डिसीजन मेकिंग की क्षमता बेहतर नहीं होती है? हम तो कह रहे हैं ना कि वो डिसीजन लेना चाहे और अपने शोर से अलग होना चाहे तो हो सकती है अलग, कहां हम कह रहे हैं कि आप जो चीज प्रूफ कर रहे हैं हम उसके खिलाफ ही नहीं है ना। मुझे बोलने का मौका ही नहीं दे रहे, आप केवल अपनी बात रखे चले जा रहे हैं। मैंने आपकी बात मानी कि आप स्ट्रीम में वो बात मानी थी ना जो हमने कहा है। सर मैं आपकी इस बात से इत्तेफाक रखता हूँ कि दोनों के जिस्मानी बनावटें अलग है, चलिए एक्सेप्टेड, इसमें कोई मसला नहीं, तस्लीम करते हैं ना आप, तो दोनों को इक्वली तो इक्वली ट्रीट नहीं किया जा सकता है ना। लेट मी फिनिश, मुझे बोलने का मौका तो दें, आप अपनी ही बातें रखे चले जा रहे हैं, मुझे भी तो सुनने का मौका दें। पटेल साहब ने एक जो बात कही कि उनकी अलग अलग चीजें होती है, उसमें इमोशनल होती हैं, ये भी बात एक्सेप्टेबल है, लेकिन ये दो बातें इतनी महत्वपूर्ण नहीं है कि उनकी जेंडर इक्विटी की बात ही खत्म कर दी जाए। कौन खत्म कर रहा है? मेरा क्वेश्चन है सर, आप सुने प्लीज सुने, जिन बुनियाद पे मर्दों को तलाक लेने का अख्तियार है, जिस जिस भी बिना पे रखे जाएं कि इस मुद्दे पे, जैसे मान लीजिए इम्पोटेंसी का मैटर है, इस पे अगर मान लीजिए तलाक हो रहा है या किसी भी वजह से अगर मर्द औरत को तलाक दे रहा है, तो क्या वही वजह औरत को भी नहीं मिलनी चाहिए तलाक देने के लिए? यानी तलाक देखिए, मर्द को तलाक देने की वजह शरीयत में, मर्द को तलाक देने की वजह यह है कि वो औरत के साथ नहीं रहना चाहता, कोई भी जेन्युइन इनजेन्युइन कोई भी रीजन हो, अगर एक मर्द औरत के साथ नहीं रहना चाहता तो वो उसको तलाक दे सकता है। ऐसे ही कोई औरत अगर मर्द के साथ जब चाहे तब नहीं, जब चाहे तब चाहे, उसका एक कुछ प्रोसीजर है, हैज की हालत में साथ में रहना, तलाक देना चाहे नहीं दे सकता। अगर ऐसी पाकी में है जिसमें बीवी से हमबिस्तरी किया है, तलाक देना चाह रहा है नहीं दे सकता है, उसको इंतजार करना पड़ेगा, औरत पाक होगी, पाक होने के बाद तलाक देगा, जब चाहे तब नहीं दे सकता है। औरत भी, मेरी बात तो पूरी सुन ली, औरत भी अगर सिर्फ इतने पास उसके पास वजह है कि वो शौहर को पसंद नहीं कर रही और साथ नहीं रहना चाहती, तो वो तलाक ले, वो खुला ले लेगी, वो ले सकती है। लेकिन वो बस काजी के पास जाकर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शौहर के ऊपर डिपेंडेंट, अगर वो नहीं देना चाहेगा तो नहीं पाएगी, तो काजी से जाके लेगी। अगर उसका पति इंकार कर दे, अभी जैसे मेरे यहाँ तो काजी से जाके लेगी, मैं बता रहा हूँ आपसे एक, अरे भाई आप क्या का मसला नहीं, मैं शरीयत का मसला क्या बता रहा हूँ आपको, बताया ना मैंने कि अगर वो शौहर नहीं दे रहा है तो काजी से जाके ले लेगी। काजी के पास उसको सिर्फ ये प्रूफ करना है कि वो साथ नहीं रह सकती। अल्लाह के रसूल के पास एक औरत आई और उसने ये कहा कि मैं अपने शौहर में कोई ऐब नहीं निकालती, लेकिन मैं इस्लाम के में कुफ्र को पसंद नहीं करती, यानी मुसलमान रहते हुए अपने शौहर की नाशुकरी करूं, नाफरमानी करूं, ये मुझे पसंद नहीं है, तो मैं छोड़ना चाहती हूँ। अल्लाह रसूल ने फरमाया कि जो उसने तुमको बाग दिया था मार में वापस करोगी? कहा वापस करोगी। अल्लाह रसूल ने फरमाया इसका बाग वापस ले लो और इसको छोड़ दो। औरत अगर साथ में नहीं रहना चाहती किसी भी वजह से, तो दुनिया की कोई ताकत उसको मजबूर नहीं करेगी निकाह में रहने के लिए। ठीक है, और हलाला की क्या पोजीशन है आपके यहाँ? हलाला हमारे यहाँ है ही नहीं, कोई हराम है हराम नहीं, हलाला है तो जरूर बिल्कुल प्रैक्टिस। अल्लाह के रसूल ने फरमाया हलाला करने वाले और जिसके लिए हलाला किया जाए उस पर लानत है। आप स्विंग मत हो, आप इतनी बात आपके समझ में आ गई ना कि औरत को मर्द के साथ, क्योंकि वो सिमिलर नहीं है, औरत क्योंकि मर्द के साथ सिमिलर नहीं, इसलिए उसको इक्वल नहीं रखा गया। नहीं ये आपकी सोच है, आप नहीं मानता है। अच्छा एक बात बताइए, नहीं मैं एक बात बताइए, कबड्डी देखी कभी? कबड्डी, कबड्डी का खेल देखा है कभी? बिल्कुल देखा है सर। तो आप अगर बोलें कि मर्द और औरत को इक्वल ट्रीट करना चाहिए, तो आप इसकी इजाजत देंगे कि कबड्डी में मर्द और औरत को भिड़ा दिया जाए साथ में कबड्डी करने के लिए या कुश्ती लड़ने के लिए? औरतों की कबड्डी की टीम अलग होती है, मर्दों की कबड्डी क्यों अलग होती है भाई? दोनों इक्वल है तो साथ में रखिए ना, अलग क्यों रखते हैं? ये आप जो है ना दोनों के साथ डिस्क्रिमिनेशन क्यों कर रहे हैं? डिस्क्रिमिनेशन मैं नहीं कर रहा हूँ, लाख कानून के समक्ष दोनों बराबर होते हैं, जिन जिन बुनियाद तो बराबर होती है ना, जब इक्वल हैं तो फिर कुश्ती लड़ाइए मर्द की औरत के साथ, जीतने दीजिए जो जीता है। यूसीसी में इसी बात को तो रखा जा रहा है कि जिन बुनियाद पे मर्दों को तलाक लेने का अधिकार है, उसी मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया बिल्कुल, अधिकार है कुश्ती देखी है ना, कुश्ती आपका सवाल कुश्ती देखिए कि नहीं, आप ये बोल रहे हैं कि इक्वल होना चाहिए, अगर दोनों सिमिलर हैं भाई, एक एजुकेटेड लड़की को कुश्ती में एक मर्द से लड़ा दीजिए, अगर दोनों सिमिलर हैं और दोनों को इक्वली ट्रीट करना चाहिए तो ये बताएं ऊपर वाला जो रोशनी देता है मर्द औरत को छांट के देता है,
हवाएं जो चलती है मर्द औरत के मेरे सामने सवाल का जवाब दीजिए, फर्क फिर मैं करते दूंगा हैं। जवाब। पहले आप मेरे सवाल का जवाब दीजिए। नहीं, ये आपने बताइए कहा दोनों ऊपर को वाले ने इक्वल ट्रीट जितनी करना चाहिए ना, क्योंकि अरे दोनों आप बताएं सिमिलर हैं। चलो भाई, ऊपर लड़की वाले को ने एजुकेशन दे दो, एजुकेशन सर देने आप के एक बाद। बात बताएं ना, इसका फैसला कौन करेगा? ऊपर वाले ने बनाने में ऐसी कोई नियमतें बख्शी जो मर्द को उसने स्पेसिफिक दे रखी, औरतों को ना दे रखी हो? मैंने किसी कुछ स्टूडेंट को ऐसा कुछ नहीं देखा नियमतें औरतों को दी जो मर्द को नहीं दी है। हाँ, लेकिन ऊपर वाले ने कुदरत की मर्द बच्चे नहीं पैदा कर सकता है, औरत बच्चे पैदा करती है। कितनी बड़ी नियमत है, वो माँ है। मर्द जो है तो साहब क्या करके बिना वो उसके कदमों के नीचे जन्नत नहीं आ सकती है, माँ के कदमों के नीचे जन्नत है। आपने कानून इतना आसान बना दिया कि मर्द चाहे तब तलाक तलाक करके तलाक करके औरत को अलग कर। अच्छा देखिए, आपको अंदाजा हो रहा हो ना हो रहा हो, जो सुन रहे हैं उनको अंदाजा हो रहा है कि आप मेरे सवालों का जवाब नहीं दे रहे। आप जवाब क्यों नहीं दे सकते हैं? भाग क्यों रहे हैं? क्या भाग क्यों रहे हैं? जवाब दे रहा हूँ। आप क्या क्वेश्चन, आप क्या बताएं? मैंने मैंने पूछा ना आपसे, आप कुछ अगर आप कहते हैं दोनों सिमिलर हैं तो कुश्ती लड़ा दीजिए औरत की मर्द से। दोनों सिमिलर है ना, ये कोई क्वेश्चन तो दोनों को इक्वली ट्रीट करिए। क्यों नहीं भाई, क्यों नहीं क्वेश्चन, क्यों नहीं क्वेश्चन? मान लीजिए अगर कुश्ती लड़ा दें और औरत जीत जाए तो मर्द क्या करेगा? इससे क्या साबित आप करना चाह रहे हैं? आप ये बोल रहे हैं कि इंसाफ होगा, औरत और मर्द को कुश्ती लड़ाना ये इंसाफ होगा? ये इक्वालिटी है जिसका मुतालबा करना चाहिए? ये कोई क्वेश्चन ही नहीं है भाई। कानून के समक्ष दोनों बराबर होते हैं। अगर औरत ड्राइविंग कर रही है और उससे एक्सीडेंट हो जाएगा, एक बंदा मर जाएगा, और मर्द ड्राइविंग कर रहा है अगर उससे कोई एक्सीडेंट हो जाएगा मर जाएगा, तो क्या दोनों को फांसी नहीं होगी? तो हम ये कब कह रहे हैं कि हर कानून में दोनों का डिफरेंस होना चाहिए? भाई बहुत सारे कानून हैं जिसमें दोनों का डिफरेंसेस नहीं। हमने कहा कुछ चीजें जहां पे दोनों में सिमिलरिटी नहीं है ना, वहां दोनों को इक्वली ट्रीट नहीं किया गया। जहां दोनों में सिमिलरिटी है दोनों को इक्वली ट्रीट किया है। मेरा ये कहना तो ठीक है, है ना, जहाँ पे दोनों बराबर, जहाँ दोनों सिमिलर है वहाँ दोनों को इक्वली ही ट्रीट किया गया है। अब लीजिए, अब आप कहेंगे मर्द है उसके अंदर ड्राइविंग करने की कम सलाहियत है, मर्द के अंदर ज्यादा है और उसके अंदर कम है, इसलिए अगर एक मारे तो ठीक है उसको फांसी की सजा दे दो, एक मारे तो उसको फांसी की सजा ना दो। चूंकि आप बोले तो मैं नहीं बोल रहा हूँ, नहीं मैं नहीं बोल रहा, मतलब यही होना कानून। मैंने क्या बोला, बराबर है कि नहीं? जहाँ पर जिस मामले में दोनों बराबर है वहाँ दोनों को इक्वली राइट्स दिए गए हैं, इक्वली जिम्मेदारियां दी गई है। जहाँ दोनों के अंदर डिफरेंसेस है वहाँ पर जिम्मेदारियां, राइट्स और उनकी जिम्मेदारी में फर्क रखा गया है। इसीलिए हिंदुस्तान में वन नेशन वन लॉ की बात हो रही है कि जिस बुनियाद पे मर्द को तलाक लेने का अधिकार होगा उसी बुनियाद पे औरत को भी तलाक लेने का अधिकार होगा। अगर हिंदू कौम एक शादी करेगी तो मुस्लिम कौम भी जेंडर एक शादी करेगी, है कि नहीं दोनों हकीकत की वहाँ पर इजाजत इसीलिए तो नहीं दी जा रही है? जेंडर एक हकीकत है कि नहीं हकीकत है, ये बताइए। मसला क्या है? मसला ये कि मर्दों को चार शादियां करनी, आप जेंडर की तकसीम मानते हैं कि नहीं मानते? जब चाहे तब वो तलाक दे दे। क्या सब इधर उधर जा रहे हैं? मैंने ये बोला कि आप इस इक्वालिटी को मानते ही हैं तो फिर आप बन सके। आपने औरतों को गुलाम बना कर रखा हुआ है। कुश्ती के सवाल का जवाब आप क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि आपका जवाब नहीं आया ना, आपने जवाब नहीं दिया ना। नहीं, आप मैंने क्या बोला, अगर एक कुश्ती में लड़के और लड़की को साथ में लड़ा दिया जाए तो क्या ये इक्वेलिटी ऐसी है कि आप इसको जस्टिस बोलेंगे? क्या जस्टिस इक्वेलिटी का ये मतलब है कि कुश्ती में जेंडर का ख्याल है? अगर अगर खुदा न खास्ता अगर लड़ना पड़ भी जाए ना तो औरतें आजकल कितनी कमजोर नहीं कि मर्दों को उठाकर पटक न दे। तो आप कहते हैं ये जस्टिस, आप तो इसको जेंडर जस्टिस बोलते हैं? एक मिनट, इसको आप जेंडर जस्टिस बोलते हैं? ये जेंडर जस्टिस है आपके हिसाब से? मेरे कहने का मतलब सिर्फ इतना है, कुश्ती में एक लड़के को लड़की से लड़ा दिया जाए, आपके हिसाब से जेंडर जस्टिस है? आपकी सुई कुश्ती पे क्यों अटकी हुई है? क्योंकि उसी का आपको जवाब नहीं आ रहा है, नहीं, उसी नहीं, से आप भाग बात वहाँ नहीं है, बात वहाँ नहीं, आप भाग रहे हैं। मेरा क्वेश्चन ये है कि मर्दों को चार शादियां करने के राइट भाई, या तो आप बोल दीजिए ना भाई, दो मर्दों को जब चाहे तब तलाक करने का अधिकार है, औरतों को दीजिए ना। दो ऑप्शन दे दी, अभी सबका जवाब देंगे ना एक पर, आप उसूल तो तय हो जाए ना। अगर दोनों सिमिलर है तो हर चीज में हिंदुस्तान में हिंदुओं को नहीं, अगर आप एक अल्टीमेटल, आप एक अल्टीमेट सिमिलरिटी की बात कर रहे हैं तो हम अल्टीमेट इक्वालिटी को तस्लीम कर लेंगे। आप खुद नहीं मान रहे ना कि देखिए अल्टीमेट इक्वालिटी आप बोल रहे हैं ना, आप क्यों तो अल्टीमेट इधर उधर क्यों भाग रहे हैं? आप मैं भाग रहा हूँ इधर उधर? हाँ बिल्कुल भाग रहे हैं। आपको चार शादी के, आपको चार शादी की इजाजत चाहिए महिलाओं को नहीं? इसका मतलब सरफराज भाई यह कहना चाहते हैं कि अब मर्द औरत मर्द को सीट देगी, या औरतों का जो अलग डिब्बा है वो खत्म कर दिया जाएगा, दोनों का मिक्स डिब्बा कर दिया जाएगा, ये कहना चाहते हैं? नहीं भाई, मैं तो अभी मेरी सुई तो कुश्ती पे अटकी हुई है। आप ये बोलिए कि एक औरत का मर्द से कुश्ती लड़ना ये जेंडर इक्वेलिटी का तकाजा है, और जेंडर इक्वेलिटी को तस्लीम करते हैं। पास कर रहा हूँ ये भाई, मूर्खता आप दिखा रहे तो ये आप, मैं तो आप ही के जो उसूल दे इक्वालिटी का, मैं उसी के हिसाब से पूछ रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ महिलाओं को पढ़ने का अधिकार है कि नहीं है? इक्वालिटी को बस एक रूप दे रहा हूँ, आप इस रूप को बनाने के लिए मुझे कैनवास तो आप नहीं दिया है ना? आप बोल रहे इक्वालिटी होना चाहिए तो मैं इक्वालिटी का एक रूप आपको दिखा रहा हूँ, आप अपनी बताई हुई इक्वालिटी को तस्लीम नहीं कर रहे हैं, आप तर्क नहीं दे रहे हैं। मेरा क्वेश्चन सिर्फ तर्क में क्या दे रहा हूँ, इक्वालिटी आप बोल रहे हैं, आपको चार शादियों की इजाजत क्यों चाहिए आप मुझे बताएं?
सरिया के साथ चार शादी हो रही है, शादी की तलाक का बात ही नहीं हो रही। आप इक्वेलिटी की बात कर रहे हैं, मैं आपको इक्वेलिटी का ग्रुप दिखा रहा हूँ। आप अपनी बताई हुई इक्वेलिटी को तस्लीम नहीं कर सकेंगे, हम ये बता रहे हैं।